भारतीय जनता पार्टी शिक्षक प्रकोष्ठ गोरखपुर क्षेत्र के परिचय बैठक का आयोजन प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह की अध्यक्षता में संपन्न हुई, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने कहा कि शिक्षक सम्मानित व्यक्ति होता है। समाज के लोग शिक्षकों के विचारों को न केवल गंभीरता से सुनते हैं बल्कि उनकी बातों और विचारों पर विश्वास भी करते हैं। इसलिए शिक्षक प्रकोष्ठ के पदाधिकारियों का यह दायित्व है कि वह दीनदयाल जी के व्यक्तित्व और कृतित्व को जनमानस से अवगत कराएं। इस मौके पर भाजपा के क्षेत्रीय अध्यक्ष डॉ. धर्मेंद्र सिंह ने कहा कि शिक्षक समाज को दिशा देने का काम करते हैं। शिक्षक प्रकोष्ठ का दायित्व काफी बड़ा है। शिक्षक प्रकोष्ठ के माध्यम से पार्टी लोगों को भाजपा की नीतियों से अवगत कराएगी और 2022 में प्रदेश में भाजपा की सरकार बनाने में सफल होगी। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए भाजपा शिक्षक प्रकोष्ठ के प्रदेश संयोजक चंद्र शर्मा ने कहा, केवल एक ही प्रकार के शिक्षकों के बारे में सोचते रहे हैं, तो विद्यालय भी सीबीएसई सेक्टर भी तो जिलों से अभी मंडल सहयोगियों की सूची ना, और उसमें अपने जिले की बैठक का निर्णय से तय किया है, प्रदेश ने लक्ष्य दिया है, लक्ष्य लेकर चलेगा, रेखा की सदस्यता करेगा। अब गोरक्ष प्रांत उससे आगे जाएगा कि पीछे रहेगा, यह आपको तय करना है। लेना है क्रेडिट भी लेने हैं, राजकीय भी लेने हैं, माध्यमिक भी लेने हैं, सब प्रकार के शिक्षकों को व्यावसायिक शिक्षण के लिए हुई है। जो युवक डिजर्व करते थे उन्हीं को अवसर मिला है। युवक या युवतियां 5,000 भर्तियां हुई, उनमें से किसी में कोई आरोप नहीं, क्योंकि प्रिंसिपल की कोई किसी प्रकार का कोई भाई भतीजावाद या कोई लेन देन का विषय नहीं रहा। सारी पारदर्शितापूर्ण भर्तियां हुई। विद्यालय खोले गए, 4 विश्वविद्यालय खोले जा रहे हैं सरकार की तरफ। भारतीय जनता पार्टी के महामंत्री के रूप में, भारतीय जनता पार्टी के उपाध्यक्ष के रूप में, उत्तर प्रदेश शासन में योगी आदित्यनाथ जी महाराज की सरकार में परिवहन मंत्री के रूप में, या 2014 में जब देश में 2014 के पहले देश पूरा देश भ्रष्टाचार और घोटालों की धमाकों से गुजर रहा था, पूरे देश ने, कह सकता हूँ कि प्रातः 6 बजे से लेकर के आपके घर पर 6 बजे से लेकर के लाइन लगती है, 6 बजे से लेकर के और देर रात्रि तक 11-12 बजे रात्रि तक एक एक कार्यकर्ताओं से मिलते हुए संगठन की पूरी संरचना में और जनता के बीच में जाकर के जिस प्रकार से अत्यंत सहज और सरलता के साथ आप मिलते हैं, परिश्रम की पराकाष्ठा करते हुए, और जब 2019 में समाज, जब 2019 में लोकसभा का चुनाव हुआ, एक चुनौतीपूर्ण चुनाव था, उत्तर प्रदेश के अंदर सपा और बसपा मिलकर लड़ रही थी, ऐसे 2019 के चुनाव में जिनको मध्य प्रदेश का प्रभारी बनाया गया था, आपने वहां जाकर भी कमल के फूल को खिलाने का काम किया, ऐसे माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी का मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं और स्वागत करता हूं। आज ये शिक्षक प्रकोष्ठ की बैठक है। हमारे शिक्षक प्रकोष्ठ के प्रदेश के संयोजक विधान परिषद के सदस्य सम्मान श्रीचंद शर्मा जी ने कुछ बातें कही है। हम 1.5 करोड़ नई सदस्यता बनाने का हमने लक्ष्य लिया है, और आपने भी आज यहाँ 1,10,000 सदस्यता बनाने का लक्ष्य लिया है। जो पुराने सदस्य उनको मिस्ड कॉल करा करके जमा हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी के नेतृत्व में, तो हमारे देश के यशस्वी गृह मंत्री जी कभी किसी दिन 9-10 अक्टूबर में शुभारंभ करने वाले हैं, सदस्यता लॉन्च करने वाले हैं। मिस्ड कॉल के आधार पर सबको जोड़ करके और जिस प्रकार से इस संगठन को खड़ा करने का हम काम करेंगे। हमारे गोरखपुर क्षेत्र में भी हम सब ने 26 लाख सदस्य बनाने का लक्ष्य लिया है, और उसमें सबसे एक महती भूमिका आप सबकी होने वाली है। 1,10,000 जो आपने लक्ष्य लिया है, निश्चित रूप से मैं कह सकता हूं कि शिक्षक समाज की जो भूमिका है उसका ठीक से शिक्षकों की शिक्षा जब संस्कारों से जुड़ती है तो चरित्र का निर्माण होता है। महान विचारक मार्टिन लूथर किंग ने कहा था कि किसी देश की महानता का आकलन इस बात से नहीं किया जा सकता कि देश कितनी अट्टालिकाएं खड़ा किया है, उस देश ने कितनी अपनी सुरक्षा में किलेबंदी की है, उस देश में कितने धनाढ्य लोग हैं, उस देश की महानता का आकलन इस बात से किया जा सकता है कि उस देश में रह रहे लोगों के अंदर देशभक्ति का जज्बा कितना है। आप 2,000 से 12 1,24,000 तो 2,000 सदस्य बनाना है प्रत्येक विधानसभा में। सभी संयोजक तैयार हैं? जिले के संयोजक जी, थोड़ा हम परिचय करेंगे जिला अध्यक्ष से, एक बार परिचय करूंगा। कुछ छोटा गाठ गड़बड़ नहीं है मित्रों,
हिंदू आतंकवादी है तो छोटा आक्रमण नहीं है, और शंकराचार्य की गिरफ्तारी एक छोटा आक्रमण नहीं है, और वह भी शंकराचार्य पूज्य शंकराचार्य। और आरएसएस के दफ्तर पर छापे और हिंदू आतंकवादी के नाम पर छापे मार के अपने लोगों की गिरफ्तारी करवाए प्रचार करते, ये समाज को कौन बताएगा? और एक व्यक्ति ने कैसे तपस्या किया जिसने चाय पिया बरसते पानी में मां के आंचल में छिपा धर्मशाला में रहकर लाइन में लगकर भोजन लिया फिर उन्हें देश का प्रधानमंत्री बनने के बाद परिवार के सदस्य नहीं बैठता है, ये त्याग कहां से आया? ये त्याग कहां से मिला हमारे को? हमारे पूर्वजों ने किस प्रकार काम किया कि परिवार के सदस्य सरकारी गाड़ी में नहीं बैठता है और प्रधानमंत्री आवास में एंट्री नहीं करता है? ये योगी जी को देखो, भले विराट कौशिक खास हो लेकिन सरकारी गाड़ी के वहां लेकर नहीं निकल सकते सीएम हाउस से, या दो नियुक्तियां का सूची भी नहीं दे सकते हैं, 2.5 लाख जो नियुक्तियां होंगे, ये सब त्याग कहां से? इसको अध्ययन करो। ये पार्टी जो बनी है आपकी ना, कोई सपा बसपा कांग्रेस नहीं है, भारत की संस्कृति वंदे मातरम के लिए जो गले में फांसी को चूम लिया अशफाकुल्ला खां से लेकर चंद्रशेखर भाला सिंह तक, सभी ने उस भारत माता की जय का नारा को बुलंद कौन करेगा? और किसके लिए काम करने हम लोग निकले? मेरा लक्ष्य क्या है, मेरा ध्येय क्या है, मेरा उद्देश्य क्या है, ये समाज को बताना पड़ेगा। ये नाली खड़ंजा पुड़वा तो बनेगा ही, वेतन भत्ता सभी का निकलेगा, जब देश रहेगा तो निकलेगा ना, नरेंद्र मोदी रहेगा तब तो निकलेगा, अटल जी रहेंगे तब तो निकलेगा, क्या तालिबान निकालेगा, आतंकवाद बम पटक के निकालेगा, अंडरवर्ल्ड माफिया देश को चलाएंगे, जातिवाद लोग चलाएंगे, कौन चलाएगा देश को? ये समाज को बताने का काम कौन करेगा? लोग आक्रमण करने 1000-2000 आदमी हिंदुस्तान में उत्तर प्रदेश में आ चुका है, पूरे देश से आदमी आ चुके हैं, किसान आंदोलन नहीं बंद होने वाला है। आज हमारे शिक्षक प्रकोष्ठ के गोरक्ष प्रांत की बैठक थी, तो इसमें हमारे क्षेत्रीय संयोजक सह संयोजक और जिलों के संयोजक सह संयोजक आमंत्रित थे। हमारी आगामी कार्य योजना के बारे में आज चर्चा की गई, और जो भारतीय जनता पार्टी का सदस्यता अभियान चलने वाला है उसके अंतर्गत हमारे इस गोरख क्षेत्र के कार्यकर्ताओं ने संकल्प लिया है कि हम 1.25 लाख शिक्षकों की सदस्यता भारतीय जनता पार्टी के हक में करेंगे, और किसान जो हमारे शिक्षकों की जो उपलब्धियां रही हैं हमारी सरकार के द्वारा, शिक्षकों की जो समस्याएं हल की गई हैं उनके बारे में चर्चा हुई है। इनके बारे में आगे हमारी जिला बैठकें मंडल बैठकें होने वाली हैं, विधानसभा सम्मेलन होंगे, जिला सम्मेलन होंगे, क्षेत्रीय सम्मेलन होंगे, उनके बारे में योजना रचना बनाने के लिए आज बैठक थी। प्रथमतः तो इस समय तदर्थ शिक्षकों की एक बड़ी समस्या चल रही है, तो उसको लेकर भी हम लोगों ने आपस में योजना रचना बनाई है कि कैसे उनकी सेवा सुरक्षा उनको दी जाए, उस पर हम लोग योजना बना रहे हैं। हमने सरकार से भी आग्रह किया है, माननीय मुख्यमंत्री जी उप मुख्यमंत्री जी से भी हम लोग मिले हैं, उन्होंने भी इस पर गंभीरता से विचार करने का आश्वासन हमें दिया है, और भी जो समस्याएं हमारी चल रही हैं उनके बारे में चर्चा की गई है, जल्दी उनके समाधान भी आपके सामने आएंगे। और बहुत सारी उपलब्धियाँ हमारी रही हैं, 1.5 लाख से ज़्यादा हमारे शिक्षकों की भर्ती जो है हमारी बिल्कुल किसी लाग लपेट के बिना और किसी भाई भतीजावाद के बिना निष्पक्ष भर्ती की गई, योग्य शिक्षकों की भर्ती की गई, उसके बारे में चर्चा हुई। हमारे 250 से ज़्यादा राज्य के विद्यालय इंटर कॉलेज खोले गए हैं प्रदेश में, 4 विश्वविद्यालय खोले गए हैं, 52 डिग्री कॉलेज खोले गए हैं राज्य के, उनके बारे में चर्चा हुई है, और हर प्रकार के शिक्षकों की भर्ती हुई, चाहे प्राइमरी हैं चाहे माध्यमिक शिक्षक हैं, राज्य के शिक्षक हैं, उनकी भर्तियाँ हुई हैं, प्रिंसिपलों का चयन हुआ है, सबका चयन की प्रक्रिया चल रही है, उन्हीं के बारे में चर्चा वार्ता हुई है।